सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडीज को और दबाइए इस घंटे को हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें यहाँ पर रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन दिए हुए हैं। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। हमें पता लगाना है कि वो जो हमें रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया है वो रैशनल है या नहीं। जो नंबर का हमें ये एक्सपेंशन दिया है वो नंबर रैशनल है या नहीं, वो हमें पता लगाना है। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी क्यू, अगर वो रैशनल है और हम उसे पी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, सो वॉट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। तो हम जो क्यू के जो प्राइम फैक्टर्स है उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, ये हमें बताना है। तो हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है 43.12345678 9। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो ये जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। तो हम ये टर्मिनेटिंग है तो ये होगा, ये रैशनल नंबर होगा। तो ये रैशनल नंबर है तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट हमें यहाँ पर इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना नहीं है। हमें ये बताना है कि q किस सिचुएशन में सेटिस्फाई करेगा, q के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में। वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5m। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 हम ये बोल सकते हैं कि जो q होगा हमारा वो 2n into 5m के फॉर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा नंबर है वो टर्मिनेटिंग है। तो अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5, 1.6 और 1.7 हमारा जो क्यू होगा वो 2n into 5m के फॉर्म में होगा। तो हम सेकेंड वाला देख लेते हैं, 6 का सेकेंड पार्ट हम देखेंगे। तो हमारा सेकेंड पार्ट है 0.12011200012। और ये देखिए आप, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। तो इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं बताना है। वो हमारा थर्ड पार्ट है 43.12345678 9। ये देखिए आप, इधर बार लगा हुआ है मतलब ये रिपीट हो रहा है। तो ये अगर रिपीट हो रहा है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो हम इसके बारे में अब क्या बोल सकते हैं, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। इसे भी हम लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। तो इसके क्यू के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2n into 5m। इसका जो क्यू होगा वो 2n into 5m के फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं है। और इसका जो क्यू होगा वो 2n into 5m के फॉर्म में होगा, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.5, 1.6 एंड 1.7 इसका जो क्यू है वो 2n into 5m के फॉर्म में नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे वो कमेंट